हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के कार्यालय में पाकिस्तान से भारत लौटी बहुओं का परिजनों के साथ हुआ स्वागत। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से लंबे इंतजार और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से भारत लौटी बहुओं का परिजनों के साथ मंगलवार को सांसद सेवा केंद्र में हुआ स्वागत। खुशी से परिजनों की भर आई आंखें। शादी के पश्चात दो वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल भारत लौटी दोनों दुल्हनों और उनके परिजनों का मंगलवार को बाड़मेर मुख्यालय पर स्थित केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी के कार्यालय सांसद सेवा केंद्र पर मंत्री के स्टाफ और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। लंबे इंतजार और बड़ी मुश्किल से घर लौटी बहुओं को देखकर कार्यालय में मौजूद तमाम लोगों और परिजनों के चेहरे भी खिले हुए दिखे। ऐसे में सांसद सेवा केंद्र में हुए स्वागत से सबकी आंखें भर आईं। पाकिस्तान में फंसी बहुओं का दर्द झेल रहे परिजन जब सांसद कार्यालय पर पहुंचे तो उनका श्रीफल देकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बहुओं के भारत लौटने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, साथ ही दुल्हनों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ने अपने वक्तव्यों में केंद्र मंत्री कैलाश चौधरी के विशेष प्रयासों के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी के प्रयासों से सोमवार को पाकिस्तान में निवास कर रही दो दुल्हनों को अपने ससुराल आने का लंबा इंतजार सोमवार को समाप्त हो गया। दो साल पूर्व शादी होने के बावजूद वीजा न मिल पाने से दोनों दुल्हनें पाकिस्तान से अपने दूल्हों के साथ भारत नहीं आ सकी थी। इस बीच अभी भी एक और दुल्हन वीजा के अभाव में पाकिस्तान में ही फंसी हुई है, लेकिन उसके छोटे बच्चे राजवीर सिंह को वीजा दे दिया गया है। ऐसे में वो बच्चा अपनी नानी के साथ भारत पहुंचा है। केंद्र मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि हम एक और दुल्हन की वतन वापसी को लेकर भी प्रयासरत हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो भी हमारे बीच होंगी। कुछ वीजा समस्याओं के चलते फिलहाल उनका आना स्थगित हो गया है। केंद्र मंत्री के प्रयासों से पिघली लंबे इंतजार की बर्फ। जैसलमेर जिले के बैया गांव के नेपाल सिंह का रिश्ता पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुआ था। वे दो साल पहले थार एक्सप्रेस से भारत लेकर पाकिस्तान गए थे। नेपाल सिंह की शादी 26 जनवरी 2019 को हुई थी। इसी तरह बाड़मेर जिले के गिराब क्षेत्र के महेंद्र सिंह 16 अप्रैल 2019 में पाकिस्तान में शादी हुई थी। वे भी थार एक्सप्रेस से बारात लेकर पाकिस्तान गए थे। इस तरह बाड़मेर जैसलमेर के दोनों युवकों के लिए सोमवार का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन साबित हुआ। इन युवकों की दुल्हनें शादी के दो साल के लंबे इंतजार के बाद उनके घर आई हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण दोनों दुल्हनें अपने ससुराल नहीं आ पा रही थी। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले एक अन्य युवक विक्रम सिंह की पत्नी को अभी तक वीजा नहीं मिला है, लेकिन उनके बच्चे राजवीर सिंह को वीजा मिलने के बाद वो अपनी नानी के साथ भारत पहुंचा है। यहाँ के कुछ लोगों ने मंत्री जी को इस प्रकरण की शिकायत की थी और मीडिया के माध्यम से भी मंत्री जी तक ये जानकारी पहुंची। और मीनवाइल जो तीन लोग हैं इनमें से एक ने मंत्री जी को ट्वीट किया था, तो मंत्री जी ने हम लोगों को इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कलेक्ट करने के लिए कहा। हमारे कार्यालय से उनसे संपर्क किया गया, फिर इनकी मंत्री जी से बात करवाई गई, तब जाकर मंत्री जी ने पूरा प्रकरण समझा। और इसके बाद में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय उच्चायुक्त इस्लामाबाद से निरंतर कोशिश के बाद में आज हम लोगों के लिए खुशी का विषय है कि दो परिवारों की खुशी में हम कहीं ना कहीं भागीदार बने। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।